हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल मैजिकल जर्नी विद गोविंदे में। जैसे कि आपको पता ही है, मैं एक मैजिशियन हूँ और मैजिशियन के साथ साथ मैं एक न्यूमिस्मैटिस्ट भी हूँ। और मैं एक नया सेशन शुरू किया है इस मैजिकल जर्नी विद गोविंदे चैनल में, जो कि वर्ल्ड के 200 कंट्री के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा। और इस इन्फॉर्मेशन में क्या क्या रहेगा, उस कंट्री के बारे में, उसका कंट्री नेम, उसका कैपिटल, उसका बैंक नोट, उसका कॉइन, उसके कौन से कॉन्टिनेंटल में है वो, और इसके पोस्टेज स्टैम्प भी आपको इसमें दिखाई देगा। और जैसे कि आपको पता ही है कि ये जो चैनल है, इसको मैं नए तरीके से तैयार कर रहा हूँ, और आप लोगों का सहयोग बहुत ही ज़रूरी है। और अगर नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूले, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही मेरा हौसला अफजाई करते रहिए। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए आते हैं वीडियो पे। तो दोस्तों, आज जिस कंट्री के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है आर्मेनिया। आप देख रहे हैं ये जो शीट पूरा है वो आर्मेनिया के बारे में है। आर्मेनिया टर्की, ईरान, अजरबैजान से घिरा हुआ एक एशिया महाद्वीप का एक कंट्री है। इसका जो कैपिटल है वो है येरेवान, यहाँ लिखा हुआ है आप देख रहे हैं। और इसकी जो करेंसी नेम है वो है द्राम। और इसका जो एरिया है वो है अराउंड 29,800 स्क्वायर किलोमीटर, पॉपुलेशन अराउंड 38 लाख अप्रॉक्स। और इसमें जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है आर्मेनियन लैंग्वेज। और इसका जो डेट ऑफ इंडिपेंडेंस है वो है 21 सितंबर 1991। तो इसका जो द्राम होता है, जो इसका करेंसी है, करेंसी इंडिया के वैल्यू ही जो हिसाब है इसका 0.15 रुपी एक द्राम होता है। और ये जो कंट्री है ये एशिया के अंदर आता है। और ये जो शीट जो मैंने अभी आपको आपके सामने लगा के रखा है, ये शीट के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले आपका ऊपर देख ही रहे हैं, ये लिखा हुआ है आर्मेनिया। आर्मेनिया का जो फ्लैग है वो इस तरफ आप देख रहे हैं, और इसका जो वर्ल्ड मैप में कैसे दिखेगा उसका जो मैप है वो इस तरफ आप देख रहे हैं। साथ ही ये कौन से महाद्वीप में है वो लिखा हुआ है इसमें, एशिया महाद्वीप। और इसका जो कैपिटल नेम है येरेवान, ये यहाँ लिखा हुआ है। और इसका जो करेंसी जो है, करेंसी को वर्ल्ड करेंसी में क्या बोलते हैं वो लिखा हुआ है इसमें द्राम। और इसका जो बैंक नोट और कॉइन जो है यहाँ लगा हुआ है। तो यही आज का इन्फॉर्मेशन था इस आर्मेनिया कंट्री के बारे में। आते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों, अब जिस कंट्री के बारे में मैं बताऊंगा वो है ऑस्ट्रेलिया। आप देख रहे हैं ये जो शीट है, ये ऑस्ट्रेलियन शीट है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है इंडियन ओशन एंड साउथ पैसिफिक ओशन से घिरा हुआ एक कंट्री है, जो कि ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियानिया महाद्वीप के अंदर आता है। इसका जो कैपिटल है वो है कैनबेरा, और इसकी जो करेंसी है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और इसका जो एरिया है अराउंड 76,82,300 किलोमीटर, और पॉपुलेशन अराउंड 2 करोड़। इसमें जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है इंग्लिश। और इसका जो डेट ऑफ इंडिपेंडेंस है वो है 1 जनवरी 1901। और इस जो वन डॉलर जो है वो ऑस्ट्रेलियन जो एक डॉलर होता है वो अराउंड इंडिया के 52.98 रुपीज़ के बराबर होता है। तो आते हैं इस शीट के बारे में। तो शीट में जो इन्फॉर्मेशन है वो आप पहले देख रहे हैं। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो फ्लैग है वो इस तरफ आप देख रहे हैं, उसके साथ साथ उसका डाक टिकट जो है आप यहाँ देख रहे हैं, और उसका
पूरे वर्ल्ड में कैसा जो वर्ल्ड मैप है वो आप यहाँ देख सकते हैं, साथ में ही वो कौन से कॉन्टिनेंटल में है वो लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियानिया यहाँ लिखा हुआ है। इसका जो कैपिटल है वो यहाँ लिखा हुआ है कैनबेरा, और इसका जो करेंसी नेम है वो लिखा हुआ है यहाँ डॉलर। और ये आप देख रहे हैं डॉलर और इसका जो बैंक नोट एंड जो कॉइन है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये है आज के लिए, इतना सही वीडियो है। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को काम का है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही मुझे और भी प्रेरित करते रहिए ताकि मैं और भी नए नए वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर पाऊँ। तब तक रखिए ख्याल, आते हैं नेक्स्ट वीडियो में।